नमस्ते साथियों, माइनॉरिटी वाले मैटर पे अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी। हमारे पास दो रास्ता है, एक तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म करने के लिए हम बहस करें, जो दो कानून कांग्रेस ने बनाए थे 1992 में अल्पसंख्यक आयोग कानून और 2004 में अल्पसंख्यक आयोग शिक्षण संस्थान कानून, उन दोनों कानूनों को खत्म करने के लिए बहस करें। दूसरा हमारे पास रास्ता है कि हम हिंदुओं को यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने के लिए बहस करें। मेरी पिटीशन में दोनों प्रेयर है, प्रेयर ए है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म किया जाए, 1992 का नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म किया जाए, 2004 का नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट खत्म किया जाए, और प्रेयर बी है कि माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइन तय किया जाए और राज्यवार माइनॉरिटी का दर्जा, जो जहां पे माइनॉरिटी उसको मिले तो उसके हिसाब से 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है तो उनको भी माइनॉरिटी का दर्जा मिले। अब मेरा आपसे आग्रह है, आप इस विषय को अच्छी तरीके से समझ बूझ के मुझे बताइए, आप लोगों की जो राय आएगी उसी के अनुसार मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करूंगा। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक कानून खत्म हो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कानून खत्म हो, उसका मतलब यह हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग खत्म हो और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय खत्म हो। दूसरा, अल्पसंख्यक की परिभाषा हो, राज्यवार अल्पसंख्यक को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बने, जो भी है 1% वाला अल्पसंख्यक है, 2% वाला है, 10% वाला है, और उसी के अनुसार 9 राज्यों में हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिले। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।